उन्नाव रेप कांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गैंगरेप का आरोप लगा है। 8 साल की विकलांग बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सरेआम उनके साथ दरिंदगी की जा रही है, लेकिन हमारी सरकार लड़कियों को बचाने में बिल्कुल असफल नजर आ रही है। पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक पर घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा और मध्य प्रदेश से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का काला चेहरा सबके सामने आया है। सीहोर में 8 साल की विकलांग बच्ची से गैंगरेप किया गया। जब इतने से भी जी नहीं भरा तो अपराधियों ने हमेशा हमेशा के लिए मासूम की आवाज को खामोश कर दिया। बच्चे के रेप के बाद हत्या मामले में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीहोर के आष्टा थाने में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि राजा कलेक्टर और मुकेश ठाकुर ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस वारदात के बाद सवाल उठता है कि नेताओं का नकाब ओढ़े शैतानों से बच्चियों को कैसे बचाया जाए। आखिर कौन करेगा इनकी सुरक्षा। लिबी लाइव की रिपोर्ट।